देखिए वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सज रहा है, जो अभी लगा रहे हैं स्टेट, और अभी 14 तारीख टेबलें बिछ गई हैं पूरी, और टेबलों पर जनता बैठी है। देखो कहाँ से कहाँ तक टेबलें बिछ हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक टेंट लगा हुआ है। ये मैंने देखो अब कर रखा, और ये जूम कर देता हूँ मैं, वहाँ से वहाँ तक टेबल बिछ हुई हैं, लोगों के लिए भी सुविधा कर रखी है, कुर्सियों से ज़्यादा जगह गिरती टेबल बिछा दी, इस पर दड़ी बिछ रही है, मैट वगैरह बिछ रही है, और अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी ये देखिए पूरा अभी सुना सुना दरबार बना हुआ है, अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है पूरी, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखो कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेबलें भी डली हुई हैं यहाँ पे देखो, और बागेश्वर धाम जो महाराज जी बैठेंगे वहाँ सामने बैठेंगे जस्ट, और इधर देखो राधे राधे जी के पर्दे लगा रखे हैं, अभी यहाँ पर कुर्सी वगैरह डाल रखे हैं, और अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है पूरी तरीके से, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखो पूरा सजा रखा है इसको दुल्हन की तरह, आज आपको पता है 14 तारीख कलश यात्रा है, और माता बहनों ने ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया होगा कलश यात्रा के, आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। अभी मैं आपको और दिखाता चलूँ यहाँ का बैकग्राउंड का। देखिए प्रेमी भक्तजनों, मैं अभी पहुँच गया हूँ कथा पंडाल में, यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा होगी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, कथा श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पर टेंट की तैयारी चल रही है, अभी तक तैयारी चली रही है, कलश यात्रा होने वाली है प्रारंभ, अभी कलश यात्रा की आपको वीडियो दिखाएंगे लाइव। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं और पुलिस प्रशासन भी है, वो भी सहयोग कर रही है यहाँ पे, और जो सेवादार हैं हम भी सेवादार के रूप में ही आए हैं, अभी सेवा करेंगे थोड़ा। मैंने सोचा आपको पहले वीडियो बना कर डाल दूँ, यहाँ पूरा दरबार बना हुआ है, वहाँ पर महाराज जी सामने बैठेंगे जस्ट, अभी अंधेरा हो रहा है उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको दिखा दूँगा। अभी पूरा वाटर प्रूफ बना रखा है ताकि पानी का बारिश नहीं गिरे, अगर आंधी तूफान आए तो, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर पानी की सुविधा कर रखी है, और मैं आपको दिखाता चलूँ पूरा वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ महाराज जी बैठेंगे, यहाँ पर पूरी पब्लिक बैठेगी, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे इन लोगों ने, और भगवान का कारोबार आगे बढ़ा है, बागेश्वर धाम कृपा बनाए रखे, मैं तो यही कहूँगा, और आगे का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है।